नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों से सरकार परेशान, बाहर से आकर पहचान छुपाने वालों पर होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट, रायपुर में भी 4 मरीज के साथ 127 नए पॉजिटिव केस, मदर हसाब का हवलदार संक्रमित, पूरा थाना क्वारंटाइन। छत्तीसगढ़ में अफवाह का असर, भिलाई में कोरोना को देवी मानकर पूजने लगी महिलाएं, कहा मायके से मिला संक्रमण को भगाने का नुस्खा। छत्तीसगढ़ में पटरी पर लौट रहा स्टील उद्योग, फिलहाल 50% क्षमता के साथ हो रहा उत्पादन, राज्य में 90% प्लांट शुरू हुए। हज तीर्थयात्रियों को किया जाएगा रिफंड, सऊदी अधिकारियों से नहीं हुई बातचीत, कोरोना के चलते इस साल की हज यात्रा पर सस्पेंस बरकरार। देश में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में तैयारियां तेज, सरकार की गाइडलाइन पर अमल की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। देश को में कोरोना विस्फोटक रूप लेता जा रहा है, कोरबा फिर से हॉटस्पॉट बन गया है। शुक्रवार को कोरबा में 40, रायपुर में 4 समेत 127 नए मरीजों की पहचान हुई, इनमें से रायगढ़ से 18, बलौदाबाजार से 16, बिलासपुर से 14, जांजगीर से 8, राजनांदगांव व दुर्ग में 6-6, सरगुजा से 5, जशपुर व बलौद में 4-4, करवदा में 2 मरीज शामिल हैं। रायपुर में पिछले 2 दिन में 12 मरीज मिल चुके हैं और मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। नए मरीजों में दिल्ली से दुर्ग लौटा बीएसएफ जवान, रायपुर की नर्स, मंदिर हसौद थाने का हवलदार व ड्रेसर की बेटी शामिल है। पूरा मंदिर हसौद थाना क्वारंटाइन कर दिया गया है। ज्यादातर मरीज महाराष्ट्र व गुजरात से आए मजदूर हैं, जो कि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए हैं। इस बीच प्रदेश में मरीजों की संख्या 902 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 661 है। 31 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई। कोरबा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरबा में फिर आज 40 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरबा जिले में अब तक 95 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और प्रशासन अमला तुरंत कुदुरमाल पहुंचकर सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान कर उपचार के लिए भेजने की तैयारी में लग गई है। जिले में एक साथ 40 संक्रमित मिलने से प्रशासन के साथ साथ जिले में हड़कंप मच गया है। कोरबा में अब तक का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित कुदुरमूल क्वारंटाइन सेंटर से सामने आया है। फिलहाल सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को रायपुर एम्स और कोरबा कोविड 19 हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 40 पॉजिटिव पूरे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, जिनमें से 36 लोग जो मेजोरिटी ग्रुप है वो कुदुरमाल का है। उसके सिवाय 2 हमारे जटका में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ से पॉजिटिव आए हैं और 2 लोग हरिमंगलम होटल जो है नहर रोड पे उसमें से पॉजिटिव आए हैं। जल्द ही इनको डॉक्टरी टीम आके परीक्षण करेगी। जो भी इनमें ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको कोरबा के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा और जिनको सिम्टम शो होते हैं उनको अपना रायपुर में एम्स ले जाया जाएगा। अगर आप रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप ट्रेन में सीट के लिए रिजर्वेशन कराने की सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को देखना बेहद ही जरूरी है। और सीट बुकिंग के क्या नए नियम हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। रेलवे ने बदले यात्रा के नियम, मंगलमय यात्रा के नए नियम। यात्रा की देनी होगी सटीक जानकारी, बिना इस जानकारी के टिकट नहीं मिलेगा, जानकारी गलत तो टिकट कैंसिल। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन का दौर अब खत्म हो रहा है और उसकी जगह अनलॉक ने ले ली है। इसके तहत केंद्र और राज्य की सरकारें धीरे धीरे कई क्षेत्रों में छूट दे रही हैं। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। वहीं भारतीय रेलवे ने भी ऐतिहासिक बंदी के बाद यात्री ट्रेन देश भर में शुरू कर दी है। इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का सख्ती से पालन कराने का फरमान है। तो अब एक कदम आगे बढ़कर रेलवे ने यात्रियों के लिए रिजर्वेशन टिकट के लिए नियमों में भी बदलाव कर दिया है। नए आदेश के अनुसार
टिकट बुकिंग के लिए हर यात्री को आरक्षण फॉर्म पर सही जानकारी देनी अनिवार्य होगी। आप जहां जा रहे हैं उसका पूरा पता देना होगा। सिर्फ शहर लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा उस जगह का संबंधित पिन कोड भी देना होगा। इसके बिना टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे ने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए यात्रियों के डेस्टिनेशन सहित दूसरी जानकारियों को साझा करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप रिजर्वेशन फॉर्म पर ये जानकारियां नहीं देंगे तो टिकट बुक नहीं होगा। कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत इन जानकारियों के बाद ही आरक्षित टिकट मिलेगा। दरअसल ये सभी जानकारियां इसलिए ली जा रही हैं ताकि ट्रेन में सफर कर चुके किसी यात्री या उसका सहयात्री अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके डेस्टिनेशन के पते पर उससे संपर्क किया जा सके। इसके लिए आरक्षण फॉर्म पर यात्रियों के डेस्टिनेशन का पता सहित अन्य जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। लॉकडाउन के दौर में बंद रही छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्टील फैक्ट्रियों में काम फिर से पटरी पर लौटने लगा है। भिलाई स्थित सेल के प्लांट समेत छत्तीसगढ़ की 90% स्टील फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। झारखंड में भी टाटा स्टील प्लांट समेत तमाम छोटी बड़ी यूनिट ने काम शुरू कर दिया है। स्टील फैक्ट्रियों के काम शुरू करने से दूसरी औद्योगिक गतिविधियां भी तेजी पकड़ रही है। मालूम हो कि देश के कुल स्टील उत्पादन में से 1/4 इन दोनों राज्यों में ही होता है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में अप्रैल के अंतिम सप्ताह से स्टील कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया था। हालांकि फिलहाल सभी निजी कंपनियां 50% उत्पादन क्षमता के साथ ही काम कर रही हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के कारण कोहरा मचा हुआ है। दुनिया में हर रोज कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच भारत में हज की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को पूरा भुगतान करने का फैसला लिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन तीर्थयात्रियों का 100% भुगतान वापस करने का फैसला लिया है जो इस साल तीर्थयात्रा के लिए जाना चाहते थे। इसका कारण बताया गया है कि 2020 हज के बारे में सऊदी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा कि जो तीर्थयात्री इस साल अपनी हज यात्रा को रद्द करना चाहते हैं उन्हें भुगतान की कई राशि का 100% रिफंड कर दिया जाएगा। यात्रा को रद्द करने के लिए तीर्थयात्रियों को एक फॉर्म भरना होगा। बता दें कि सऊदी अरब में हर रोज कोरोना वायरस के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। सऊदी में अब तक 95,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केस के बीच सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया है, लेकिन उन शहरों पर पैनी नजर भी रखी है जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 8 जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी है और मंदिर खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। 2 माह से भक्तों के लिए मंदिरों के द्वार खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे 8 जून नजदीक आती जा रही है शहरों के देव दर्शन पूजा अर्चना आदि के लिए उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंदिरों को खोलने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। किसी मंदिर में बैठक चल रही है तो किसी में बैठक के बाद मंदिर की तैयारियां चल रही हैं। बहुत से मंदिर शासन के आदेश का इंतजार कर रहे थे जिससे वो अभी तक बैठक नहीं कर पाए थे। शासन के आदेश के अनुसार अब वो आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। हम मंदिर के अंदर 10-10, 5-5 आदमियों से ज्यादा का प्रवेश नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा है कि मंदिर के मेन गेट पे भी मंदिर के हमारे 40-50 वर्कर हैं, वो सब रहेंगे, मंदिर के अंदर भी रहेंगे। और दूसरा, हमने भक्तों से ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। एक तो मूर्तियों को टच नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो घंटे हम लोग बजाते हैं वो घंटों को हमने कपड़े से जो है, लाल कपड़ों से जो है, सबको बांध रखा है, कोई उनको नहीं छुए।
लखनऊ से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों में और राज्य के बाहर मंदिर खोलने की रूपरेखा तय की जा चुकी है और कोशिश है कि लॉकडाउन संकट के बीच एहतियात के साथ भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए नियम भी जारी किए हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार आदि से पीड़ित श्रद्धालुओं का मंदिर में पूरी तरह से आना निषेध रहेगा, सायंकाल आरती सामायिक आदि की ही इजाजत होगी, बड़े अतिशय क्षेत्रों तीर्थ क्षेत्रों आदि पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। गाइडलाइन को सभी मंदिरों के लिए जारी किया गया है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु और दर्शन करने वाले भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर दर्शन करेंगे। मंदिर के बाहर गोला बनाया जाएगा जिसके तहत लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर दर्शन कर सकेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्डेड भक्ति संगीत बजाया जा सकता है। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए समूह में गाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक आसन इस्तेमाल करने के स्थान पर अपना आसन घर से लाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी, ना ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाना होगा। अपनी गाड़ी में ही चप्पल जूते उतारकर मंदिर आना होगा। धर्मस्थल पर प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में आने वाले भक्तों को घंटा बजाने पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी मंदिर नहीं खोला जाएगा। 8 जून को मंदिर खोले जाने को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिससे आस्था के बीच कोरोना संकट को फैलने से रोका जा सके और आस्था के साथ इंसानी जिंदगी को भी बचाया जा सके। स्पेशल डेस्क की न्यूज। रायगढ़ पुलिस चौकी जूठमिल अंतर्गत फुटहाबुड़ा किराए के मकान में रहने वाले थाना यातायात में पदस्थ आरक्षक कुलदीप रजक की पत्नी सुजाता की लाश मिलने की सूचना पर एडिशनल एसपी रायगढ़ सीएसपी रायगढ़ शहर के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी जूठमिल फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। पूछताछ पर मृतका का पति आरक्षक कुलदीप रजक उसकी गैरहाजिरी में अज्ञात आरोपी द्वारा घटना कारित करने का रीजन बता रहा था, किंतु घर आसपास के गवाहों में एवं घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य कुछ और ही बयां कर रहे थे, जिस पर आरक्षक कुलदीप रजक को संदेह में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया है। चौकी जूठमिल थाना कोतवाली में हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। क्षेत्र अंतर्गत आरक्षक कुलदीप रजक की वाइफ सुजाता जो संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में पाई गई, उसका जूठमिल चौकी में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई। चौकी जूठमिल से टीम एसएल की टीम डॉग स्क्वाड की टीम और चौकी जूठमिल से बाकी संबंधित अधिकारी सब वहां पे मौके पर पहुंचे। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना के कर्रा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव बांधा तालाब के किनारे में एक महिला की लाश देखी गई। महिला की मौत की सूचना के बाद देखने वालों की वहां पर भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। क्षेत्र का मामला थाना नवागढ़ अंतर्गत ग्राम कर्रा से आज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी वहां तालाब किनारे पड़ी हुई है। सूचना पर से थाना नवागढ़ की टीम मौके पर गई। मृतका की पहचान कुलन भाई कश्यप जो कर्रा की रहने वाली थी और राछा भाटा के आसपास घूमते रहती थी। आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि वो थोड़े अर्धविकसित टाइप की थी और आसपास घूमते रहती थी। मृत्यु के संबंध में वहां पे मर्ग कायम किया गया है, मर्ग पश्चात पंचनामा कार्रवाई की गई है और डेड बॉडी को पीएम हेतु हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है। देश में अब कोरोना धर्म से जोड़ता जा रहा है। अफवाह की वजह से कुछ लोग कोरोना वायरस को देवी मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये रोग देश और समाज से दूर चला जाए। बिहार से उड़ी अफवाह का असर भिलाई और दुर्ग में भी दिखाई दे रहा है। भिलाई में बैकुंठ धाम मैदान में महिलाएं देवी को प्रसन्न करने के लिए धूप में तप करती हुई दिखाई दी।
बिहार में कहा जा रहा है कि कोरोना माई है जो रूठी हुई है, इनकी विधिवत पूजा की जाए तो ये हमारा देश छोड़कर चली जाएंगी। बस इसी बात को सच मानकर महिलाएं कोरोना माई को मनाती हुई दिखी। बेमेतरा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर 7 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले की खोज में जुटी पुलिस की 5 टीम गठित की गई, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। टीम को जांच के लिए बिंदु तय कर जिम्मेदारी भी दी गई। बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी मामले को संज्ञान में लिया। SCCL के खदान से प्रभावित गांव ग्राम पंचायत गोविंदपुर कुमदा में हर साल गर्मी में पानी की समस्या होती है। भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैंडपंप व कुएं जवाब दे जाते हैं। हर साल गर्मी के समय पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। यहां का जल स्तर 40 मीटर से अधिक गिर जाता है, जिसकी वजह से तालाब व कुएं सूखने के साथ ही हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता। ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जबकि गोविंदपुर SCCL का आश्रम ग्राम है और इस नाते ग्राम पंचायत व ग्रामीणों की बुनियादी सुविधाओं की जवाबदेही भी बनती है। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण ने बताया कि हम लोगों को पीने का पानी भी की बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। एक ही नल कनेक्शन होने की वजह से सभी एक जगह से पानी भरते हैं और ये नल भी कभी कभी ही चालू होता है। समस्या है सर, यहाँ से हम लोग नगर पंचायत में जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं, कभी लाइन कट जाती है तो इंतजार करना पड़ता है हम लोग को, बहुत दिक्कत हो रहा है सर, इसलिए हम लोग को पानी चाहिए। एक भी बोर नहीं है अगल बगल में, यहाँ हमसे 6-7 घर है, यहाँ वही नगर पंचायत में ही जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर, सब लेडीज लोग जेंट्स लोग सब भी लेके ही आते हैं। हाँ, ये पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने 12 मोहल्ला के हिसाब से हम लोग करते तय किस मोहल्ले में आवश्यकता है और उस मोहल्ले का नाम जोड़ देते हैं कि इस मोहल्ले में जाएं और बोर करें। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से स्कूल खोले जाने के निर्देश हैं, जिसके विरोध में कबीरधाम जिले के NSUI कार्यकर्ता एवं कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल खोलने में विलंब करने की मांग की है। NSUI जिला अध्यक्ष विकास केसरी ने कहा कि जिस तरह प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में स्कूलों का खोला जाना खतरे से खाली नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष कृषि शर्मा समेत कई लोग शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के बोलते में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, चल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दो पक्षों के विवाद निपटाने का प्रावधान, कोर्ट के बाहर निस्तारण की क्या है प्रक्रिया, ADR और मध्यस्थता की कार्यवाही में क्या है संबंध, देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उच्च अधिकारी व राजनेताओं के संरक्षण में एक ही जगह वर्षों से पदस्थ हैं कबीरधाम जिले के अधिकारी कर्मचारी। कबीरधाम जिले के विभिन्न विभागों के पदस्थ अधिकारी कर्मचारी को हाल ही में तबादला
किया गया है, परंतु कई वर्षों से एक ही पद पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का तबादला नहीं होना उच्च अधिकारी व राजनेताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में जिले में कई ऐसे विभाग हैं जहां लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी जमे बैठे हैं। अधिकारी व कर्मचारियों के एक ही जगह जमा रहने के कारण विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहा है। हैरत वाली बात तो यह है कि कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो 10 वर्षों से एक ही टेबल पर जमे हैं, जिससे कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी गंभीर लापरवाही साफ देखी जा सकती है। आबकारी, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, कृषि विभाग एवं जल संसाधन जैसे कई संवेदनशील विभाग हैं, जहां ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जो शुरू से ही यहीं जमे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन अपनी ही बनाई नीतियों का पालन करने में नाकाम दिखाई पड़ रहा है। कबीरदास जी की जयंती एवं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला पंचायत रायगढ़ अध्यक्ष निराकर पटेल कोविड-19 कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अपने जिला पंचायत के क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लिया, साथ ही मनरेगा कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही जिला पंचायत सभापति अनिका विनोद भरद्वाज के निवास में पौधारोपण कर कबीरदास जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। यदि शिकायत मिलती है तो उसमें कार्रवाई जरूर की जाएगी। अभी तक तो मेरे को ऐसे कोई शिकायत नहीं मिला है, और पर्यावरण के चलते आज समझ लीजिए पूरा विश्व ग्रसित है। इसको हम अच्छी तरह से पर्यावरण दिवस को मनाएंगे और पर्यावरण के रक्षा के लिए उपाय करेंगे। कोविड अस्पताल को यूं तो कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए तैयार किया गया है और उनका बखूबी इलाज भी किया जा रहा है। मरीज भी जल्दी स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे हैं। और इसी बीच कोविड अस्पताल रायगढ़ के चिकित्सीय स्टाफ ने कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला की सफल और सुरक्षित डिलीवरी करवाकर नया इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का ये एक पहला मामला है जिसमें किसी भी कोरोना पॉजिटिव महिला की डिलीवरी कोविड इलाज के दौरान ही करवाई गई हो। डिलीवरी के पश्चात जच्चा बच्चा दोनों की हालत स्थिर है। स्टाफ नर्सेज द्वारा नवजात की देखभाल की जा रही है। 10 दिनों बाद बच्चे का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। महिला का कोरोना का इलाज अस्पताल में जारी है। सेक्शन वाली एक फुल टर्म प्रेगनेंसी थी जिसका ऑपरेशन द्वारा कोविड हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन हुआ। जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं। कोरबा के ग्राम चाका बूढ़ा में सीसी रोड के निर्माण कार्य पर लगे मजदूरों को ठेकेदार के द्वारा 170 रुपए दिए जा रहे हैं। उसमें भी ठेकेदार का कहना है कि काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। वही ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत हो रहे कार्य पर शासन की ओर से 190 प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीणों का शोषण ठेकेदार के द्वारा ही किया जा रहा है। जब इस विषय पर सरपंच पवन सिंह से बात की गई तो पवन सिंह का कहना है कि इस निर्माण जानकारी नहीं है और ठेकेदार स्वयं जनपद कार्यालय से निर्माण कार्य को लेकर आए हैं। ग्राम सरपंच का कहना है कि ठेकेदार से बात करके इन महिलाओं को 190 रुपए दिलाने का प्रयास करेंगे। गारंटी के तहत अभी सरकार दे थे मजदूर मल्ला 190 रुपया, तो हम मल्ला दिलाए कोशिश कर 190 रुपया दूसरा रोजी। अगर तुम दो टाइम काम करते हैं, रोजगार गारंटी है तो एक टाइम चलते सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे 10 बजे तक, तो दो टाइम काम करते हैं, मतलब कम से कम 200 रुपया रोजी दे आओ। तो क्या बोले इस मुंशी? 170 में देवो, काम करिया करा, नहीं तो जा सका था अपन अपन घर से। का काम चलत है? रोड के ढलाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। रायगढ़ जिले में भी लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। अधिकतर प्रवासी मजदूर जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया वहीं से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। रायगढ़ जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, परंतु ऐसे में जिले के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई। दरअसल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीज लगभग 11 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं और मरीज ठीक होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी खुशी जताई है। अभी तक 11 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, इसमें से 6 परसों हुए थे और 5 कल डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना के कल 5 मरीज मिले थे। एक तो पहले मिला था हमको जो डोमनारा का खसिया का था, फिर 4 पेशेंट और मिले थे जो 2 लुंगा के, एक धर्मजयगढ़ और एक खसिया का है। रायगढ़ कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग बेहद त्रस्त हो चुके हैं। जारी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की कमर तोड़ के रख दी है। कोरोना वायरस किधर से बाहर कार्य
करने गए मजदूर अपने घर वापसी कर रहे हैं तथा अपने अपने घर की ओर पलायन हो रहा है। जगह जगह काम की तलाश में भटकने के लिए राशन कार्ड जैसे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं ये मजदूर वर्ग से दूर हैं। एक जगह नहीं रहने के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य शासन ने इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी जिला खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिनके राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 10 किलो चावल, चना और नमक उपलब्ध कराया जाए। ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है। जाहिर है कि सरकार की मजदूरों को भी राहत मिली। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो प्रवासी बाहर हैं, जो नागरिक जो बाहर से गए थे, बाहर गए हुए थे, उनको अभी मुफ्त में 10 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जाना है। वो भी अभी जनपद पंचायत और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय में। छत्तीसगढ़ के बोटे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। खबरों का सारथी आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litera Z School, Unnao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Litera Z School, Unnao. Do pakshon ke vivad nibtane ka pravdhan. Court ke bahar nistaran ki kya hai prakriya? ADR aur madhyastha ki karwahi mein kya hai sambandh? देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वीरेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंदर चौहान, रजनीश त्रिपाठी, के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या आपको जानकारी मिल गई थी कोई ऐसी महामारी आने वाली है? हाँ, वो तो जनवरी में आपका अलर्ट घोषित हो गया था। जब हमारा केसेस आने शुरू हुए मार्च के बाद से, 8 मार्च के बाद से, तब उसमें हम लोग ने और ज्यादा सक्रियता बढ़ाया। नहीं, हम लोग 1.5 लाख लोगों को विदेश से इंडिया में हम लोग लाए। हाँ, ले आए थे, उसमें एक प्रोटोकॉल बना था, मगर उस समय उतनी सावधानी नहीं बरती गई। उस समय तमाम जगह से खबरें आई कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा है, मगर कहीं कहीं इतने बड़े सेटअप में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो जहाँ भी हम शिकायत पाए तुरंत हमने उसका सुधार भी किया। आपको लगता है कि कुछ अधिकारियों ने भी हीला हवाले की? थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आई थी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।